कोरोना मरीजों के लिए जिला प्रशासन ने एम्बुलेंस के दरों को निर्धारित किया है। इसके अलावा महानगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कार्य के लिए भी अधिकारियों को नामित किया है, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस पीड़ित के इलाज के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एम्बुलेंस के दरों को निर्धारित किया गया है, जिससे कोरोना मरीजों से कोई भी एम्बुलेंस चालक मनमाना वसूली ना कर सके। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि अगर कोई एम्बुलेंस चालक मनमाना किराए की वसूली करता है तो उसकी शिकायत कंट्रोल रूम पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा एडीएम फाइनेंस राजेश सिंह ने बताया कि महानगर में सैनिटाइजेशन काम के लिए नगर आयुक्त एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी को नामित किया गया है, जिसे सैनिटाइजेशन का काम बेहतर तरीके से किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस गोरखपुर बोल रहा हूं। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस कोविड महामारी के समय में एम्बुलेंस के लोग मनमानी ना करें, एम्बुलेंस की दरें निर्धारित कर दी हैं, उनका प्रकाशन न्यूज़पेपर्स में करा दिया गया है, जो आज के न्यूज़पेपर में भी था, कल भी रिपीट इसका प्रकाशन हो जाएगा। आप सभी से यही अनुरोध है, उसको देख लें और उतना ही पेमेंट करें जितना लिखा गया है, और अगर कोई एम्बुलेंस वाला बदमाशी करता है और उतने पे जाने के लिए तैयार नहीं होता है तो कोविड कंट्रोल रूम पे आप कॉल करके और वहाँ पे उनकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सर, एक सैनिटाइजर भी आता है कि लोग सैनिटाइजर कैसे करा रहे हैं? जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम, नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायतों में नगर पंचायतें और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, अर्थात जो DPRO का ऑफिस है, ये ऑफिस जहाँ पर जैसी आवश्यकता है सैनिटाइज करा रहा है। शनिवार और इतवार के दिन बृहद स्तर पर ये कार्रवाई की जाती है, विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है।